दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार सुबह भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 836 की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना मामलों की कुल संख्या 31,06,348 पहुंच गई है। इसमें से 23,38,035 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 57,542 लोगों ने वायरस के कारण जान गंवाई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या करीब 7 लाख पहुंच गई है। रविवार को एक दिन में 10,441 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 258 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,82,383 हो गई है, जिसमें से 4,88,271 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 22,253 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को दिल्ली में 1,450 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1,250 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,61,466 हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 1,45,388 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,300 हो गई है। दिल्ली में अब भी कोरोना वायरस के 11,778 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में भी मामलों में तेजी देख रही है। बहरहाल सरकार ने टेस्टिंग रेट बढ़ा दी है, जिसके चलते लोगों की जांच की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।